मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल के अचारपुरा सेवा केंद्र में गीतों के माध्यम से परमात्मा प्रेम की अनुभूति कराने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन। पार्श्व गायक हरीश मोयल और मुख्यालय माउंट आबू से आए संगीतकार बीके भानु ने मनमोहक गीतों से सभी को प्रभु प्रेम में किया भाव विभोर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण, सरपंच प्रतिनिधि माया राम, योगाचार्य महेश अग्रवाल, प्रोफेसर बीके पांडे समेत कई विशिष्ट लोगों ने दी शुभकामनाएं। जालौन के उरई सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने कलेक्टर राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक इराज राजा, जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, भाजपा जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित से की मुलाकात। नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राज्यों का जीवन में बताया महत्व। रीवा के गुड़ तहसील में दुर्मनकोट धाम के आश्रम में एक राम कथा एवं काव्य संगोष्ठी का आयोजन। बीके ममता, बीके सुभाष और बीके प्रकाश ने दिया ईश्वरी संदेश, नशा मुक्त भारत बनाने की भी दी प्रेरणा। वहीं रीवा सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन। रीवा रियासत के युवराज और सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह, प्रसिद्ध कवि और जनपद उपाध्यक्ष श्री राम लखन सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दी ईश्वरी सौगात। मध्य प्रदेश सारंगपुर सेवा केंद्र के द्वारा समाज को बेहतर बनाने का किया जा रहा है सुंदर प्रयास। व्यसन मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, मातृशक्ति को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन। ईश्वरी संदेश द्वारा राम राज्य की संकल्पना को साकार करने का प्रयास। लुधियाना के अहमदगढ़ सेवा केंद्र पर उत्साह पूर्वक मनाया गया यूथ डे। सकारात्मक नजरिए द्वारा सफलता पाने के सिखाए गुर। बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल रहे मुख्य वक्ता। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी के शताब्दी महोत्सव विश्व एकता महायज्ञ के अंतर्गत माउंट आबू के इंटरनल सिक्योरिटी अकेडमी CRPF के जवानों को पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडमिन सेक्रेटरी बीके शांत कृष्णा ने सिखाया राजयोग मेडिटेशन, बुराइयों को छोड़ने की दी प्रेरणा। मध्य प्रदेश नर्मदापुरम के केंद्रीय कारागार में बंद कैदियों को अपराध मुक्त जीवन हेतु सकारात्मकता विषय पर माउंट आबू के वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने डाला प्रकाश। वास्तव में जेल नहीं लेकिन एक तपोस्थली, एक कारागार नहीं लेकिन सुधार गृह। आप लोगों को यहाँ कोई शिक्षा देने के लिए, सजा देने के लिए नहीं रखा, लेकिन परिवर्तन करने के लिए। जिस संस्कार के वश होकर के समाज में कुछ गलत काम कर रहे थे उसी को संस्कार को परिवर्तन करने के लिए यहाँ रखा है। मौके पर जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी, हितेश बंदिया, ऋतुराज दांगी, नरेश कुमार सोनी, रसोलिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, नर्मदापुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसा ने रखे विचार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक नैतिक शिक्षण संस्थान है और समय प्रति समय यहाँ पर सुधार गृह में आपके लिए हमारे आदरणीय भ्राता जी कुछ ना कुछ कार्यक्रम करवाते रहते हैं। इसके साथ ही कैदियों ने भी अपने अनुभव किए साझा। इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए बीके सदस्यों का माना आभार। कई गाइडलाइन है ह्यूमन राइट्स की तरफ से लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी है, इसमें काउंसलर बतौर जेलों में होने चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बहनें और आप लोग जो प्रयास करते हैं इससे बेहतर काउंसलिंग जेल में हो ही नहीं सकती। ग्वालियर के तानसेन नगर सेवा केंद्र के द्वारा प्रेम नगर के साईं बाबा मंदिर में लगाई गई व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी। बीके अंजू ने व्यसनों से होने वाले बताए दुष्प्रभाव। बीके अर्जुन ने बताया कि किस तरह राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। सागर के नेगवा, पटरई, तोड़गा, चोरा डोंगरी, इन चारों गांवों में निकाली गई विशाल अक्षत कलश शोभा यात्रा। केसली सीआई बीके किरण ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जैसे मर्यादित जीवन जीने का कराया संकल्प। कार्यक्रम के आयोजक सहित विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुधीर राजपूत समेत सैकड़ों लोग उपस्थित।
ब्रह्मा कुमारी रेडियो मधुबन के द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से पिंडवाड़ा के सिवेदा में अनेक मनरेगा श्रमिकों को मन बुद्धि और संस्कारों को सशक्त बनाने की दी गई प्रेरणा, राजयोग पद्धति को अपनाने पर दिया बल, आरजेबी के पवित्र का मुख्य प्रयास। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।